हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब होपफुली फाइन होंगे तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं हर वीकेंड में ऑब्वियस हम ये वीडियो लाते हैं इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ अच्छे स्विंग सेटअप जो अगले वीक के नज़र आ रहे हैं उन्हें डिस्कस करते हैं पास्ट में जो हमने सेटअप रिकमेंड किए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि उनका करेंटली क्या स्टेटस चल रहा है साथ में जितने भी सेटअप हम रिकमेंड करते हैं उसके पीछे का लॉजिक डिस्कस करते हैं कि वो सेटअप बन रहे हैं तो क्या क्या लॉजिक है क्या चार्ट में थ्योरी दिख रही है क्या सेटअप्स बन रहे हैं क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने से पहले उसका लॉजिक क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि तो हम अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाते हैं तो विदाउट लॉजिक ट्रेड लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता तो सारे सेटअप्स डिस्कस करेंगे डिटेल में उनका लॉजिक डिस्कस करेंगे ताकि हम अगले हफ्ते कुछ अच्छे अमाउंट अर्न भी कर पाए और कुछ नया सीख भी पाए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या सेटअप्स बने हुए हैं और उनके पीछे का क्या लॉजिक है ठीक तो है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बजाज फाइनेंस के चार्ट से बजाज फाइनेंस इस हफ्ते हमने ऐड किया अपने जो स्विंग सेटअप्स के बैग में आप कह सकते हैं क्यों ऐड किया है? वो डिस्कस कर लेते हैं पहले शेयर का थोड़ा सा पास देख लेते हैं ताकि शेयर का हमें पास पता लग जाए फिर करेंटली क्या सेटअप बना हुआ उसको डिस्कस करेंगे तो अगर आप देखोगे तो शेयर का ऑल टाइम हाई लगा एट थाउजेंड फिफ्टी रुपीज का जो लगा था आपका लास्ट ईयर लास्ट ईयर एंड में उसके बाद शेयर डिसेंट करेक्शन में आया शेयर ने अभी जो उसके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे जून जुलाई में वहां से बाउंस बैक किया शानदार रिकवरी करी और अभी शेयर हल्का फुल्का करेक्शन में आया है मार्केट भी गिरा है शेयर भी गिरा है ठीक है शेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 6500। वहां पर शेयर इस हफ्ते डिस्पाइट मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था फिर अभी एक बुलिस थ्रस्टिंग कैंडल की फॉर्मेशन करके गया तो बुलिस थ्रस्टिंग बना हुआ है सपोर्ट पे बना हुआ है जो इस बुलिश थ्रस्टिंग की इम्पोर्टेंस को और बढ़ाता है क्योंकि पैसठ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है उसी लेवल के ऊपर बना के गया जो शो कर रहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल पे बुल कम बैक कर रहा है पास्ट में भी इसने 6500 के लेवल को काफी डिसेंट रिस्पेक्ट दी है तो 6500 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है उस पर बुलिस ट्रस्टिंग कैंडल की फॉर्मेशन बनी हुई है जो हमें बताती है कि बुल शो कर रहा है कम बैक सपोर्ट लेवल पे तो ये दोनों रीजन है जिसके कारण हम इसमें बाय इनिशिएट कर रहे हैं सिक्सटी फोर हंड्रेड इसमें स्टॉपलॉस होना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस और जो टारगेट का हम आने वाले हफ्तों में इंतजार कर सकते हैं वो सिक्सटी सेवन फिफ्टी पहला टारगेट है सात हजार का दूसरा टारगेट है 6750 रिसेंट में दो तीन हफ्ते पहले इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था तो बाउंस बैक करेगा तो सिक्सटी सेवन फिफ्टी तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए अगर सिक्सटी सेवन फिफ्टी के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप सिक्सटी सेवन फिफ्टी का स्टॉप लॉस लेके सात हजार के, के टारगेट तक इसमें इंतजार कर सकते हैं तो पहला टारगेट आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं 85 से 90 परसेंट चांसेस है कि पहला टारगेट 6750 आ जाएगा और अगर 6750 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप उसको अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और अगले टारगेट 7000 का वेट कर सकते हैं अभी जब आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो 6400 आपका क्या होगा स्टॉप uh, लॉस होगा ऑन वीकली क्लोजिंग बेस होपफुली फुली ये ट्रेड आपको क्लियर होगी साथ में इसमें एक और चीज है अगर आप इसका डेली चार्ट लगाएंगे और डेली चार्ट में एक जो मैं आव, आ, टूल काफी यूज करता हूं आपने पहले भी नोटिस किया होगा आ, थर्टीन ई एम ए थर्टीन ई एम ए को आप लगाओगे अगर तो ये जो शेयर है आप देख सकते हैं थर्टी ई एम ए को रसीस कर रहा है पिछले तीन दिन से थर्टीन ई एम ए ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है बट ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा तो एक इसके लिए छोटी सी हर्डल बनी हुई है डेली चार्ट में जैसे इस हर्डल को निकालता है

जो बुल के कम का इंडिकेशन दे रहा है बट डेली चार्ट में थर्टीन ई को रसिस्ट कर रहा है तो आप वेट कर सकते हो थर्टीन ई को गेन करने का तब एंट्री ले सकते हो या थोड़ा सा नीचे अराउंड स्टॉप लॉस के तो भी एंट्री इनिशिएट कर सकते हो ठीक है तो पहला सेटअप था अगला सेटअप है इपका लैब जो दो हफ्ते से हम शायद रिकमेंड कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्यों उससे पहले इसका पास देख लेते हैं तो शेयर का हाई है थर्टीन एट्टी थ्री का

Uh, उम्मीद कर रहे हैं इसमें वो एक है नाइन हंड्रेड का और एक है नाइन फिफ्टी का और अगर आप थोड़े लॉन्गर टर्म के लिए शेयर को ले सकते हो तो आप हजार डिजिट की सॉरी फोर डिजिट की इसमें देख सकते हो अब शेयर क्या कर रहा है दो हफ्ते से साइडवेज हो गया है दो हफ्ते से कंसोलिडेशन कर रहा है अगेन हम इसमें ऐड कर लेते हैं थर्टीन और देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है आई hmm, थिंक वो हट गया तो एक बार मैं लगा लेता हूँ तो इंडिकेटर्स में जाके हमें क्या करना है मूविंग एवरेज थर्टीन लगा लेना है अब जो नीचे की विंडो ओपन हो गई है उसको कैसे हटाना है वो तो मुझे भी नहीं पता अभी के लिए तो हम खाली इसी में देख लेते हैं तो 13 थर्टीन ई एम हट गई तो थर्टीन ई एम आप देख सकते हो थर्टीन ई एम को क्या कर रहा है रेसिस कर रहा है ओवरऑल सेटअप अच्छा बना हुआ है बट वीकली चार्ट में थर्टीन ई एम ओ को रेसिस कर रहा है और अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में भी वही कर रहा है कि मोमेंटम आ जाता है बेसिकली जब शेयर या कोई भी चीज थर्टीन ई एम ओ को गेन करती है मगर ये शेयर क्या कर रहा है उसको गेन नहीं कर पा रहा वहीं पर घूम रहा है उसके आगे पीछे उसके ऊपर नीचे तो इसको क्लियर कट गेन करेगा तो तुरंत मूवमेंट आ मोमेंटम आ जाएगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से 900 और साढ़े नौ के टारगेट तो बस थर्टीन ई एम देन कर गेन करने की देरी है गेन होते ही शेयर में आप मोमेंटम देख सकते हो ठीक है तो वेट करने की जरूरत है इस सेटअप में एक और दिया था नौकरी क्यों दिया था वो भी देखते हैं पहले इसका पास देख लेते हैं थोड़ा सा तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई बना है वो सेवन फोर सिक्स फाइव का बना है काफी ऊपर का हाई है वहाँ से शेयर काफ़ी डीप करेक्शन में अराउंड तीस चालीस परसेंट के डिसेंट करेक्शन को शेयर ने अटेंड किया और उसके बाद शेयर को क्यों रिकमेंड किया गया था शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था चार हजार रुपये का जिसके ऊपर शेयर एक दो हफ्ते से पास्ट कंसोलिडेशन कर रहा था दो सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है थ्री सेवन थ्री सेवन पे स्टॉप लॉस था थर्टी नाइन हंड्रेड ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस टारगेट था बयालीस का और फोर्टी का इस हफ्ते शेयर चला है 4214 का हाई है 4214 का हाई है पहला टारगेट हल्का सा अचीव हो नजर आ गया तो पहले टारगेट के हल्का सा नीचे से 4214 से नीचे ही गिरा और 4136 की क्लोजिंग आई है तो अगर आप एग्जैक्ट पहले टारगेट का वेट कर रहे हैं, बने रहिए है। शेयर अच्छा खासा ठीक क्लोज हो के गया अगले हफ्ते पहला टारगेट दिखा देगा और 4250 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप इस शेयर में उससे अगले टारगेट फोर्टी फाइव हंड्रेड के लिए भी बैठ सकते हो ठीक है और अगर हम इसमें भी सेम चीज करें ई एम ए लगा के देख लेते हैं मूविंग एवरेज जो हमारा थर्टीन है जिससे हम मोमेंटम का गॉज कर रहे हैं या ये देख रहे हैं कि मोमेंटम आया है या नहीं तो थर्टीन ई एम ए हमने लगा लिया है और ये हमारा थर्टीन ई एम ए आप देखोगे तो आ, दो हफ्ते से थर्टीन ई एम ए कंसोलिडेशन भी कर रहा था वही गेन करके कंसोलिडेट कर रहा था मोमेंटम आने के चांसेस इस, इस हफ्ते आया भी है डिस्पाइट मार्केट इतने स्टेबल नहीं थे डेली चार्ट में भी आप देखोगे तो थर्टीन के ऊपर ही कंसोलिडेशन कर रहा रहा है 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 जो जो अच्छी बात है, जो दिखा रहा है कि शेयर में सेटअप बना था डेली वीकली दोनों में इसने में गेन भी कर लिया तो शेयर में मोमेंटम भी आ चुका है तो सारी चीजें फेवर में है अगर आपने पहले टारगेट थोड़ा सा रह गया इंतजार कर लीजिए एग्जैक्ट भी आ जाएगा अगले हफ्ते और 4500 तक का वेट कर सकते हो अगर के ऊपर क्लोजिंग दे ये सबसे मैंडेटरी चीज है अगर आप अगले टारगेट का इंतजार करना चाहते हैं तो अदरवाइज नहीं ठीक है अब एक नया एंट्री है नाम है पी डी लाइट क्यों एंट्री दी गई है वो देख लेते हैं तो शेयर ने भी ऑल टाइम हाई तो रिसेंटली लगायान टू नाइन वन एट पॉइंट नाइन फाइव उन्तीस उन्नीस के अराउंड बारह सितंबर दो हजार बाईस में वहां से शेयर गिरा और शेयर ने फिर एक बाउंस बैक किया फिर शेयर में सेलिंग आई है अब शेयर के लिए अगर मैं डेली चार्ट में जाऊंगा तो ज्यादा क्लियर विजिबल होगा 2550 से 2575 का एक जोन है बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है ठीक है साथ इस में इसमें डेली चार्ट में कल गैन स्क्वायरिंग हुई है ठीक है और साथ में अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है अभी तो कोई कैंडस्टिक पैटर्न बना नहीं है होपफुली बन जाए तो ये एग्रेसिव एंट्री भी डबल बॉटम की बना सकता है बना सकता है अभी बनाई नहीं है बट चांसेस बहुत हायर कि सपोर्ट आ रहा है हुई है, तो बना लेना चाहिए तो इसमें भी एक ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है पच्चीस सो पचास हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड सत्ताईस सौ और छब्बीस सौ छब्बीस सौ पचास ये दो टारगेट है हम जिसका इंतजार कर सकते हैं पहला होगा ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी मैंने उल्टा पड़ गया था दूसरा होगा सत्ताईस तो ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप ट्वेंटी सेवन हंड्रेड तक के टारगेट का इसमें इंतजार कर सकते हैं पच्चीस सौ पचास और वीकली क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए तो काफी अच्छा सेटअप नजर आ रहा है इसको भी आप अगले हफ्ते के लिए देख सकते हो ये भी इस बार की हमारी नई एंट्री है चलते हैं डिवीज लैब में डिवीज लैब का क्या है एक बार डिस्कस कर लेते हैं ऑल टाइम हाई तो इसका काफी ऊपर का है जो 18 अक्टूबर दो हजार इक्कीस करेक्शन में आया अब इसको दो तरीके से रिकमेंड किया गया था एक उनके लिए जो है, है, एक उनके लिए थोड़े से मिड टर्म ट्रेडर है तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था थर्टी टू फिफ्टी का दो सौ ई एम ए का सपोर्ट आ रहा था नाइन पे तो आप कह सकते हो सपोर्ट जोन बन रहा था नाइन का रिकमेंड किया गया था और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस था वो थर्टी टू फिफ्टी था ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस कि आप थर्टी टू फिफ्टी का स्टॉप लॉस लेके वीकली क्लोजिंग बेसिस पे बाय कर सकते हैं ठीक है टारगेट जो था आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थर्टी फाइव हंड्रेड का बताया गया था अगर आप देखोगे तो पिछले दो हफ्ते से थर्टी फोर हंड्रेड के टारगेट इस हफ्ते भी आप देखोगे थर्टी फोर हंड्रेड पे आया था और गिर गया तो क्या कर रहा है पिछले दो हफ्ते से 3400 आ रहा है गिर जा रहा है और no, थर्टी को आप कह सकते हैं रसीस कर रहा है जो एक मिनिमम माइनर लेवल है और 3500 तक नहीं जा पा रहा है ठीक है तो अब क्या कर सकते हैं या तो आप 3400 फोर हंड्रेड प्रॉफिट बुक कर लो नहीं 3500 का वेट करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है सेटअप स्टिल बना हुआ है आप वेट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट इस हफ्ते स्टेबल नहीं थी तो 3500 फाइव के टारगेट दिखे नहीं अगले हफ्ते होपफुली दिखा देगा तो बत्तीस सौ पचास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस और पैंतीस सौ का हम टारगेट का इंतजार कर सकते हैं और जो थोड़े से मिड टर्म ट्रेडर हैं उनको कुछ नहीं करना तीन हजार से ऊपर ऊपर जहां भी उन्हें मिलता है इन्हें शेयर को एकोमलेट करना है क्योंकि तीन हजार बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और सैंतीस सौ पचास और चार हजार का इस शेयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में टारगेट दिख जाएगा ठीक है अब चलते हैं श्री सीमेंट में आ, ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था क्यों किया गया था अगेन मैं क्या करता हूँ इसमें पहले मैं थर्टीन ई एम ए लगा देता हूँ ताकि बेटर विजुअलाइजेशन में करवा पाऊँ आपको स्टेट का तो ये थर्टीन ई एम ए लगा हुआ है ओके हाँ तो वीकली चार्ट में क्या था एक इम्पोर्टेंट लेवल था ट्वेंटी फोर हंड्रेड का और ई एम ए को काफी अच्छा सपोर्ट लेके शेयर आगे बढ़ रहा था अगर आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था ई का सपोर्ट था और इम्पोर्टेंट ट्वेंटी फोर थाउजेंड का भी सपोर्ट था तब इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी टारगेट दिया, दिया गया था ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का स्टॉप लॉस दिया गया था ट्वेंटी फोर थाउजेंड का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस सॉरी बट ये ट्रेड गलत हो चुकी है अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो इस ट्रेड से बाहर निकलने के रिकमेंडेशन अब मैं दूंगा क्योंकि स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है तो ये ट्रेड गलत हो चुकी है सॉरी फॉर दैट तो इस ट्रेड को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस सक्सेसफुली हिट हो चुका है सक्सेसफुली तो नहीं कहेंगे सक्सेसफुल टारगेट हीट होता है बैडली हिट हो चुका है तो हमें एग्जिट करने की जरूरत है थैंक यू अब आगे चलते हैं तो सॉरी फॉर दैट ट्रेड बहुत ही बुरी तरह से गलत हुई है तो अब अगला है टाटा केमिकल टाटा केमिकल को हमने एक दो हफ्ते पहले भी रिकमेंड किया था पहला टारगेट एक हजार पचास दिया था उसने पचास के ऊपर टारगेट नहीं तो अचीव किया था अब उसमें से से तो शेयर का ऑल टाइम हाई है ट्वेल्व फोर्टीन पॉइंट नाइनटी का जो ज्यादा पुराना नहीं है अभी अक्टूबर मंथ में ही लगा है वहां से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में आया है अब हो क्या रहा है डेली चार्ट में चलते है तो ज्यादा अच्छा दिखेगा शेयर ने जब क्वार्टरली रिजल्ट दिए थे अभी ये दिए थे थोड़े दिनों पहले की बात है जब आपका अगस्त में आए थे ये रिजल्ट तो शेयर ने एक बड़ा गैप बनाया था और गैप थ्योरी कहती है कि जब भी भी गैप चार्ट में रह जाता है तो वो एज अ सपोर्ट काम करता है अब कुछ लोग यहाँ पर इस थ्योरी को इस तरह से रिमाइंड करेंगे कि गैप हमेशा फिल करने आता है शेयर तो वो मिथ है बट हाँ गैप रह जाता है शेयर गिर के आए तो वो ऐस ए सपोर्ट काम करता है ठीक है अब टाटा केमिकल वहीं पे आ गया है पहले आए तो थे जब तब हमने रिकमेंडेशन दी थी तब इसने रिसेंट बैक किया भी, अभी अभी दोबारा वहां पे आ गया है एक हजार दस से नाइन सिक्सटी टू पॉइंट फोर का सपोर्ट जोन वहां पे आ रहा है अगर मैं यहाँ पे काम और करता हूँ मूविंग एवरेज ऑन कर लेता हूँ उससे क्या होगा ज्यादा बेटर चीजें होंगी तो मैं यहाँ पे थर्टीन ई लगा लेता ठीक है तो वेट एंड वॉच की ट्रेड है अगर मंडे को इसमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी बाइंग सिग्नल आता है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रेड आप बाय कर सकते हो साढ़े नौ सौ वीकली क्लोजिंग बेसिस लॉस होगा और हजार रुपए का पहला टारगेट है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सॉरी एक हज़ार पचास का दूसरा एक हजार ग्यारह सौ का जो आप इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो बट आपको क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा वेट फॉर कैंडल पेटर वेट फॉर बाइंग सिग्नल आप कह सकते हो विदाउट बाइंग सिग्नल मुझे नहीं लगता अभी एंटर करना चाहिए बट आप बाइंग सिग्नल का वेट कर सकते हो और वो मिलते ही क्या कर सकते हो आप इसमें एंट्री कर सकते हो पहला टारगेट होगा एक हजार पचास जिसका आप इंतज़ार कर सकते हो ग्यारह सौ को आप हटा सकते हो एक हजार पचास का भी आप इंतजार कर लेते हो तो आपको एक डिसेंट इसमें से क्या है प्रॉफिट के चांसेस हो जाएंगे लेकिन बाइंग सिग्नल का वेट करने की जरूरत है काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है जिसको आप अगले हफ्ते के लिए देख सकते हो ठीक है अब चलते हैं अगले सेटअप में महिंद्रा महिंद्रा का जो हमने लास्ट वीक रिकमेंड किया था क्यों रिकमेंड किया था उसको देख लेते हैं पहले वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं डेली ओपन है और अगेन इसमें क्या लगा लेते हैं मोमेंटम कॉज करने के लिए जो इंडिकेटर है 30 ई एम का उसे लगा लेते हैं तो हमने ये लगा लिया 30 ई एम अब इसको देखते हैं तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो लगा है थर्टीन सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव फाइव का जो इकतीस अक्टूबर को लगा था अब शेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था ट्वेल्व फिफ्टी का जिसको ये गेन करके उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा था साथ में थर्टीन ई एम भी आ रहा था उसके ऊपर भी कंसोलिडेशन कर रहा था तब मैंने लास्ट वीक इसे रिकमेंड किया था दो टारगेट दिए थे एक ट्वेल्व सेवेंटी फाइव का एक तेरह सौ रुपये का इस हफ्ते का आप हाई देखोगे तो ट्वेल्व नाइन्टी का है। तो पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव करके दूसरे टारगेट के थोड़ा सा नीचे आ गया ठीक है तो और अब जो क्लोजिंग आई है वो स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर आई है स्टॉप लॉस ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का तो अगर आपने पहले टारगेट पर प्रॉफिट बुक कर लिया है इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप दूसरे टारगेट का वेट कर रहे थे तो एक बुरी चीज यह कि उसके हल्के से नीचे से गिर के आ गया और ट्वेल्व जो पहला टारगेट है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता तो डिसेंट चांस थे कि ये दोबारा

अगर आपने टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया है तो इट्स वेरी गुड थिंग आप इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं तो मैं इस ट्रेड को इस हफ्ते क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सक्सेसफुली दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं तो स्टिल आपने नहीं बुक किया तो आप इंतज़ार कर सकते हैं बट 1250 को अपना स्टॉप लॉस आपको रेसली फॉलो करना है वो जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो ठीक है अब चलते हैं अगली ट्रेड में जो एस है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं एस को अगर हम देखें तो अगेन वीकली चार्ट से ही हम इसको देखेंगे आई थिंक थोड़ा सा चार्ट में हाँ बेटर व्यू है तो शेयर का ऑल टाइम हाई बना था अभी आ, टू एट सिक्स फाइव का बारह सितंबर दो हजार बाईस को दो तरीके से इस ट्रेड को रिकमेंड किया था हमने एक शॉर्ट टर्म के लिए एक मिड टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए क्योंकि बाईस सौ पचास का एक लेवल आ रहा था वहां पर शेयर ने बाइंग सिग्नल दिया था टारगेट हमने ट्वेंटी फाइव हंड्रेड दिया था इस हफ्ते ट्वेंटी फोर सिक्सटी तक होकर आया अगर आप देखोगे बट मार्केट वीक थी तो सस्टेन नहीं करा दोबारा गिर गया और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है थोड़े से मिड टर्म ट्रेडर्स है उनको ये आगे कहता कि 2000 के आसपास मिलते रहे तो उठाते रहो शेयर को 2000 हजार और वीकली क्लोजिंग प्रेसिस स्टॉप लॉस होगा और सत्ताईस के टारगेट को वेट कर सकते हैं तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है आपको इसने डिस गेन ऑलरेडी दे दिए टारगेट एग्जैक्टली अचीव नहीं कर पा रहा क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं है फोर्टी रुपीज पहले से गिर गया अगर आप मिड टर्म ट्रेडर है तो टेंशन की कोई बात नहीं है इसे इकट्ठा करते रहिए और आप एक्टली पच्चीस कर रहे थे एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो भी इंतजार कर सकते हैं दिखा देगा दोबारा टारगेट ठीक है अब आगे चलते हैं आरती इंडस्ट्री की बात करते हैं आरती इंडस्ट्री का ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो काफी ऊपर का है कितना है आपका न वन सिक्स एट का फोर डिजिट का है और अभी शेयर थ्री डिजिट में चल रहा है ठीक है उसके बाद शेयर में डिसेंट करेक्शन आया अभी पिछले हफ्ते इसमें पिछ, सॉरी पिछले से पिछले महीने इसमें डी मर्ज, मर्जर भी हुआ है इसका कुछ बिजनेस अलग हुआ है उस कारण भी शेयर में काफी फॉल आया था अब क्यों रिकमेंड किया गया था अगर हम डेली चार्ट को देखेंगे तो आई थिंक ज्यादा क्लियर होगा तो डेली चार्ट में इसमें डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनी थी तब इसे रिकमेंड किया था ठीक है और एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी आ रहा था सिक्स फिफ्टी का तब भी इसे रिकमेंड किया गया था और इसका पहला टारगेट सिक्स सेवनटी फाइव दिया गया था जो सक्सेसफुली अचीव हो गया था और दूसरा टारगेट सात सौ रुपये दिया गया था अब हो क्या रहा था सिक्स सेवनटी फाइव को गेन नहीं कर पा रहा था उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था तो ऑब्वियस सेकेंड टारगेट आना नहीं था सात सौ रुपये का अब हुआ क्या सिक्स फोर्टी टू का स्टॉप लॉस था वो इस हफ्ते स्टॉप लॉस हिट कर गया तो अगेन आपने पहला टारगेट पे अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है पहले टारगेट के ऊपर शेयर अगर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है जो भी हम बताते हैं तो आप मान के चलिए कि सेकंड टारगेट आने के चांसेस बहुत कम है तो 675 ये गेन नहीं बुक कर पाया तो वहां से शेयर में दोबारा फॉल आउट आ गया अगर आप देखोगे इसमें मूविंग एवरेज थर्टीन ई लगा के तो थर्टीन ई को भी गेन नहीं कर पा रहा था उसको रसिस्ट कर रहा था वहीं से शेयर में क्या आ गया फॉल आउट आ गया अब आगे चलते हैं अगला टाइटन का ये भी आई थिंक पिछले हफ्ते रिकमेंड किया गया था क्यों रिकमेंड किया गया था मैं एक बार दिखा देता हूँ साथ में पहले इसमें अपना अगेन मूविंग एवरेज थर्टीन ई एम लगा लेते हैं ताकि बेटर तरीके से समझ में आए तो आई थिंक मैंने सिंपल वाला लगा लिया हमें एक्सपोनेंशियल रिक्वायर्ड है तो सिंपल को हटा देते और एक्सपोनेंशियल को ले आते तो शेयर का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का साथ में थर्टीन ई एम ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा था तब हमने इसे रिकमेंड किया था गया था स्टॉप लॉस दिया था पच्चीस सौ पचहत्तर का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस टारगेट छब्बीस सौ पचास और सत्ताईस सौ का दिया था इस हफ्ते इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया ट्रेड गलत हो गई है तो होपफुली आप अपना लॉस बुक कर चुके होंगे अगर नहीं किया तो आप कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो तो हिट हो चुका है तो अगेन मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ स्टॉप लॉस इट तो सॉरी फॉर दैट ये ट्रेड बैडली गलत हुई है ठीक है अब चलते हैं लास्ट ट्रेड पे आईसीसी प्रू आईसीसी प्रो प्रू, प्रू क्यों रिकमेंड किया गया था शेयर का ऑल टाइम हाई था सेवन ट्वेंटी फोर का वहां से शेयर करेक्शन में आया शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था साढ़े चार सौ का वहां पे सपोर्ट ले रहा था डबल बॉटम की अग्रेसिव एंट्री बना रहा था पहला टारगेट 475 दूसरा 500 रिकमेंड किया गया था शेयर ने अपना पहला टारगेट अचीव किया और 475 के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी तो आप पांच का इंतजार कर सकते थे बट 500 गया नहीं और अपना स्टॉप लॉस हिट किया इसने 475 सेवनटी फाइव नीचे गिर गया तो जो दूसरे पहले टारगेट में प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं अच्छी बात है जो दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो उन्हें निकल जाना चाहिए था अगर वो निकले नहीं है हमने लास्ट ला, जो हमारी वीडियो थी उसी में कहा था कि उन्हें निकल जाना चाहिए था अगर वो निकले नहीं है तो इस हफ्ते क्या हुआ है शेयर नीचे आ गया शेयर ने 450 के नीचे क्लोजिंग दे दी अपने आ, सपोर्ट के बट अच्छी बात यह कि फोर फोर्टी इसका लॉस था वह अभी हिट नहीं किया है के आसपास जाके इसके डबल बॉटम बनाने की चांसेस स्टिल है तो अगर आप दूसरे टारगेट के जब अपना स्टॉप लॉस हिट होने के बाद नहीं निकले हैं, तो इंतजार कीजिए फोर फोर्टी के पास डबल बॉटम बनने के स्टिल चांसेस है अगर बाइंग सिग्नल आता है तो आप और एवरेज आउट भी कर सकते हैं तो स्टिल सेटअप बना हुआ है आप इंतजार करने बैठे रहिए फोर फोर्टी के पास अगर बाइंग सिग्नल आता है तो दोबारा आप इसमें एंटर कर सकते हैं ठीक है तो ये थे इस हफ्ते के रिकमेंडेशन इसमें कुछ नए थे कुछ पुराने थे तो अगर हम देखें बजाज फाइनेंस हो गया आपका पीडी लाइट हो गया टाटा केमिकल हो गया इन सब में नए सेटअप स्टिल बन रहे हैं इनको आप ले सकते हैं अगले हफ्ते हैं और एक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ पीछे का लॉजिक देखा होगा ताकि आप उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके खुद भी अपने लिए इन फ्यूचर ट्रेड ढूंढ पाओ क्योंकि लॉजिक जानना बहुत जरूरी है तो इस वीक के साथ ये आने वाला वीक आप सबके लिए प्रॉफिटेबल हो इस वीडियो को एंड करते हैं वीडियो पसंद आई हो लाइक करें सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपका पता चलता रहे अपनी नॉलेज बढ़ा सको प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सको साथ में कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में उसे भी हम हमें बता सकते हैं ताकि हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाए तो इस विश के साथ की आने वाला वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल हो वीडियो को एंड करेंगे हैप्पी ट्रेडिंग